नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी लाइव इन टॉक शो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव टॉक शो रखा हुआ है और आज इस अवसर पे हम अपने सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हैं। और जितना भी हमने सीखा है उतना हमारी लाइफ में जो हमारे ट्रांसफॉर्म उन्होंने किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइव टॉक शो में इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में। और आज की जो एजुकेशन है और जो प्राचीन जो एजुकेशन हमारी थी, गुरुकुल पद्धति हमारी थी, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वही हमारा एक डेडिकेशन है इस टॉक शो का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो प्राचीन गुरुकुल का अपना महत्व है और भारत हमेशा ही प्राचीन जो काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है और देश विदेश से भी लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे क्योंकि हमारे उच्च स्तर की जो शिक्षा का यहाँ पर लोग यहाँ से ग्रहण करते थे। और इसमें जो हमारी जो गुरुकुल पद्धति है वो बहुत ही प्रचलित पद्धतियों में से प्रणालियों में से एक थी। और आज भी हम देखते हैं कि जो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली है गुरुकुल बहुत ही अहम है और कई जगह गुरुकुल का इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन उसको जरूरत है उसको आगे बढ़ाने की। क्योंकि आज की डेट में अगर हम इस जो मॉडर्न एजुकेशन को देखते हैं तो वो ज़्यादातर हमारा किताबी ज्ञान हो जाता है और व्यवहारिक कम होता है। और पहले जो फोकस होता था वो व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर होता था। जो प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों का समग्र विकास, व्यक्तिगत विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक जागृति, आत्म जो नियंत्रण, अनुशासन, प्रकृति और समाज के बारे में जागरूक रखने में विश्वास रखती थी, क्योंकि यही चीज जो है पूरे जीवन भर उनके काम आती थी और यही जीवन का उनका मूल्य होता था अपनी लाइफ को। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी पद्धति नहीं है, हमें अंग्रेजों से विरासत के रूप में ये मिली है जो 1836 में ये जो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरा चेंज किया था तो उसके पीछे उनके अपने स्वार्थ थे। तो अगर आज की देखें उस प्रणाली के उस पे काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन आज भी उसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। अगर हम कुछ हमारी वर्तमान जो शिक्षा पद्धति की कुछ चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी जो आज की डेट में रैंकिंग प्रणाली, क्योंकि आपके नंबर कितने आए, हम फैमिली में भी बात करते हैं कि हमारे बच्चे के कितने नंबर आए हैं, दूसरे बच्चे को कितने रहे हैं, तो एक कंपेरिजन की भावना जो उसमें हमारी आते हैं। आज की अगर क्षेत्रीय शिक्षा में देखें तो नैतिक मूल्यों का अभाव हमें देखने को मिलता है, छात्रों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, साथियों के बीच में उनका मेल मिलाप की जगह आपस में थोड़ा सा उनका टसल और ये सब चीजें उनकी चलती है। माता जो पेरेंट्स हैं वो भी केवल एकेडमिक जो नंबर्स और उसके ऊपर बच्चों पर ध्यान देते हैं, ना कि उनका जो व्यवहारिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में वो ध्यान नहीं देते। और आज की जो शिक्षा प्रणाली में आप देखें तो छात्रों में दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन इसकी बहुत ज्यादा आपको करते हैं। छात्रों की जो रुचि, अपनी रुचि है, उस रुचि पर जो है पेरेंट्स का और अपने उसका प्रेशर हो जाता है कि वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कैरियर को आगे नहीं ले जा सकते, अपने रुचि के हिसाब से अपना कैरियर चूज नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अगर स्कूलों में हम देखें तो जो हमारे जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते जो बच्चों के। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो शारीरिक डेवलपमेंट है, जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर भी आप देखें कि बहुत ज्यादा कुछ विशेष किया नहीं जाता है। वर्तमान शिक्षा का अगर हम वो करें तो आप देखें कि ये बहुत बड़ी जो कंपैरिजन वाली जो तुलना है, जो एक दूसरे के साथ जो हम तुलनात्मक चीजों में हम लोग आते हैं, तो वो भी एक बड़ी बड़ी चुनौती है जो कि एक दूसरे छात्र को जो है वो डिप्रेशन में लीड डाल जाता है, उसको स्ट्रेस का अभाव देता है। और एक जो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो पुरानी शिक्षा पद्धति में कोई भी ऐसा केस नहीं होता किसी ने शिक्षा की वजह से अपने को सुसाइड किया हो या कुछ हुआ, लेकिन आज की डेट में अगर डेथ रेशियो हम लोग देखें, मृत्यु दर भी देखें शिक्षा की वजह से, तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि उनका फैमिली का, दोस्तों का, बाकी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीजें, बातें ये इसलिए हमारा इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करने की जरूरत है। और जहां तक मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करूं तो जरूर हमारी सरकार ने जो कमेंट, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने नई से शिक्षा प्रणाली ली है, उसमें बहुत सारे फेरबदल किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जब वो लागू होगी और जिस तरह से जो नया जो जनरेशन हमारी है, जो नया इसमें जो आएगा, तो वो जरूरी है कि उनके समग्र विकास के ऊपर काम होगा, उनके आत्म मंथन के ऊपर काम होगा, उनके आध्यात्मिक डेवलपमेंट के बारे में जो हमारी जो जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है उसमें
जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल पद्धति है, उसका भी एक समावेश किया जाएगा। तो इसी बारे में हम आगे दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बहुत ही रिनाउंड मोटिवेटर और काउंसलर हैं और रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तुमर्तन हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी। तो आज हमारी चर्चा में डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी हमारे साथ होंगे इस चर्चा पर, वो क्योंकि बहुत अच्छा शिक्षाविद भी हैं और बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी को, उन्हीं से हम आगे चर्चा करेंगे और इस बारे में उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, और बहुत सारे प्रश्न जो हमारे को मिले हैं उसको भी आज हम इसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। तो दोस्तों हम अपनी चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको जरूर आपसे माफी चाहेंगे कि हमारा जो शो था वो 7:30 बजे का था, लेकिन समहाउ कुछ नेटवर्क और कनेक्टिविटी की वजह से हम लोग समय पर अपना शो शुरू नहीं कर पाए। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे शो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारी जो है शिक्षाएं ली हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपकी एज भी अराउंड 70+ हो गई है, तो आप 70 हैं मतलब 70 साल पहले जो आपने एजुकेशन ली और आज की एजुकेशन के हिसाब से आपकी क्या राय है वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे वो है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में, साथ में गुरु पूर्णिमा, क्योंकि ये हमारा डेडिकेशन है ये शो गुरु पूर्णिमा के ऊपर, हम सभी अपने गुरुओं को नमन करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, तो हम आज ही के दिन उस गुरु पूर्णिमा को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जरूर आपका आपसे राय जानना चाहेंगे सर। देखिए आपके प्रश्न का जवाब है 23 जुलाई और 24 जुलाई ये व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 23 जुलाई शुक्रवार के दिन व्रत की पूर्णिमा है और दान की पूर्णिमा 24 जुलाई को स्नान और दान की पूर्णिमा कल है। चूंकि परंपरा से गुरु की पूजा होनी चाहिए, जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है और परंपरा से पूर्णिमा की उदया तिथि को लिया जाता है, इसीलिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा करना उचित है, यानी आगामी काल गुरु पूर्णिमा है। क्योंकि आदि गुरु हमारे वेदव्यास जी हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन वेदव्यास के जन्म दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जी डॉक्टर साहब आगे हम लोग जानना चाहेंगे कि आदि गुरु के बारे में आपने कहा कि आदि गुरु कौन है, थोड़ा सा प्रकाश आप आदि गुरु के बारे में भी जरूर बताएं हमें। देखिए आदि गुरु हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास ने ये पराशर जी के पुत्र हैं और पराशर जी महान ज्योतिषाचार्य हैं, तो एक समय वो मुहूर्त देख रहे थे, उन्हें समझ में आया कि इस मुहूर्त में यदि कोई संतान गर्भस्थ होती है तो वो विश्व में अनूठी होगी, तो उन्होंने उस समय संतान गर्भस्थ किया और फिर वेदव्यास जी का जन्म हुआ। महाभारत के रचयिता हैं, चारों वेदों के व्याख्याता हैं, 18 पुराण और 18 उपपुराण के प्रणेता हैं, वेदों को विभाजित किया इसलिए वो वेदव्यास कहलाए। ये आदि गुरु है, जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं सारी दुनिया में शिक्षा की शुरुआत ज्ञान से हुई और पहला ज्ञान की पुस्तक श्रुति और स्मृति में वेदव्यास है, इसलिए आदि गुरु सारी दुनिया के लिए भारत के सनातन धर्म के वेदव्यास ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म में गुरु का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए जिन्होंने दीक्षा ली है वो अपने गुरु को जानेंगे और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो वेदव्यास जी को पूजा करेंगे जी। स्कंद पुराण में गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु जो है वो अंधकार को दूर करता है और शिष्य को उजाले की तरफ ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रद्धा और विश्वास ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 39-40 में
ज्ञान और गुरु की आधारशिला है, विश्वास में है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यह रहस्य कहा गया है। इसी प्रकार श्रद्धा से शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, इससे ही ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके अलावा स्कंद पुराण में गुरु गीता है। गुरु गीता में भगवान शिव जी ने कहा है कि गुरु वाक्य ही वास्तव में तत्व ज्ञान है। किंचित गुरु बिना नान्यत सत्यम सत्यम वरानने, गुरु के बिना तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान होना मुश्किल है। शिव जी कहते हैं बिना गुरु के ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है, यह सत्य वचन है। बिना गुरु के वेद पुराण इतिहास तंत्र आगम आदि ग्रंथों के अध्ययन मनुष्य को भ्रमित करते रहते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही इन शास्त्रों का अध्ययन लाभदायक सिद्ध होगा। यही गुरु की महत्ता है, महिमा है। लक्ष्मण जी, मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मण जी, ठीक। गुरुकुल प्रणाली का अर्थ है कि शिष्य गुरु के स्थान पर गुरु के घर जाता है और वहां रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। शास्त्र में कहा है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जिसने घर छोड़ा है, गुरु किया गया है, वही गुरुकुल प्रणाली है, वही वास्तव में शिष्य है। आजकल इसका अर्थ बदल गया है। ये हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली कही जाती थी, जहाँ पर राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो, सभी ने इसी प्रणाली से शिक्षा प्राप्त की और अपना व गुरु का नाम रोशन किया। जी, आपको मैं बताऊं, गुरु का नाम शिष्य ने आगे बढ़ाया, ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु उनका परिचय विवेकानंद के गुरु के अनुसार ज्यादा है। तो कभी कभी छात्र जो है गुरु का छत्र बन जाता है और उससे ज्यादा प्रभावी और दुनिया में नाम पैदा कर लेता है। इसी तरह से ये गुरुकुल शिक्षा की ही देन है। और पूछे जी, आगे बढ़ते हैं मैम। सर, इसमें अगर हम आज शिक्षा, शिक्षक और छात्र के बीच में बात करें, तो जो सम्मान की भावना और जो समर्पण की भावना अगर हम पहले देखते थे, वो आज कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तो कई बार जगह देखा जाता है कि एजुकेशन का इतना है कि वो शिक्षक को भी बहुत उनका साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार भी इतना देखने को और सुनने को मिलता है। वास्तव में यह दोनों हाथ से ताली बजती है जी। न तो वो गुरु रहे और न वो छात्र रहे, दोनों की तरफ से ही, दोनों की तरफ से ही कमी जी, है जी। मैं आपको बता सकता हूँ, जब हम लोग 50-55-60 साल पहले पढ़ाई करते थे, तो जब मैं विद्यालय नहीं जाता था
तो मेरे शिक्षक घर आ जाते थे कि आज, और माँ से पूछते थे आज ये क्यों स्कूल नहीं गए, क्यों विद्यालय नहीं आए। बिल्कुल मनाही थी कि कभी भी हम एब्सेंट नहीं हो सकते थे। और उस समय में हम लोग ट्यूशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं जी। अगर क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग को क्लास में ही बैठे रहना पड़ता था, और क्लास ओवर हो जाने के बाद गुरुजी समझाते थे, बतलाते थे क्या समस्या है, उसका निदान करते थे जी बिल्कुल। और हम भी जानते थे कि अगर माँ बाप के बाद अगर कोई है तो हमारे विद्यालय के शिक्षक ही हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि शिक्षक जो पहले थे वो अपना खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे हर बच्चे पर, और उनके घर जाना और ये काफ़ी वो करना, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन ली है तो अगर हम टीचर से पूछते भी थे तो वो बोलते थे कि बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास के बाद मेरे से मिलना और मैं आपको अलग से क्लास लेकर आपको समझा दूंगा। लेकिन बीच में जो ट्यूशन का कल्चर हुआ, इसका व्यवसायीकरण जो हो गया आधुनिक शिक्षा का, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इसमें। इसका कारण है कि वो अंक प्राप्त करना है जी, अंक प्राप्त करना है। और पहले के जो शिक्षक थे वो एक ही शिक्षक वस्तुतः सारे विषयों को पढ़ाते थे, परंतु फिर हुआ कि मैथ का टीचर अलग है तो हिंदी का अलग है तो इंग्लिश का अलग है, और जो क्लास में पढ़ाते हैं उनसे पढ़ना होगा, वो ज़्यादा अंक देंगे, इस तरह की बातें हैं जो आ गई। वो एक्चुअली में मैकाले ने आज से 50 साल पहले, मैकाले माने करीब 90 साल पहले, मैकाले ने शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश के कहने पर परिवर्तन किया। उसका उद्देश्य था कि वो केवल कुछ अपने काम के लिए क्लर्क पैदा कर ले, इसीलिए उसने आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपने क्लर्कों को बनाने के लिए जो उनके रूटीन काम में मदद कर सके ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाया। और उसके लिए आवश्यक था कि भारतीय शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल प्रणाली को नष्ट किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारी भाषा पर उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया, भाषा को नष्ट किया, क्षेत्रीय भाषा को नष्ट किया, राष्ट्रीय भाषा को नष्ट किया, और उन्होंने अंग्रेजी हमारे ऊपर थोप दी। तो उन्होंने फिर हमारा कल्चर नष्ट किया, इस तरह से उन्होंने हमारे शिक्षा प्रणाली को बदल दिया, और जो उसका उनका उद्देश्य था उसमें वो सफल हुए। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनका उद्देश्य था और जिस हिसाब से उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चला, तो उनको ये लग गया था कि अगर भारत में राज करना है तो सबसे पहले इनकी जो स्ट्रांग शिक्षा नीति को है उसको बदलना होगा, उनकी सोच को बदलना होगा। और उन्होंने जो अपना जो अपनी सोच को हमारे ऊपर थोपा, लेकिन वो अपने फायदे के लिए थोपा, जिसकी वजह से आज भी हम लोग उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सोच को समझना, उनकी व्यवहारिकता को समझना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो गुरुकुल शिक्षा की आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और उनकी क्या मुख्य बातें हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की क्या मुख्य बातें हैं? गुरुकुल शिक्षा की सबसे पहली बात है कि छात्र का समर्पण। छात्र को पता है कि मैं जा रहा हूँ 5 साल 10 साल के लिए, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ और मुझे वहाँ शिक्षा प्राप्त करनी है। तो ये शिक्षा जो है स्वास्थ्य की शिक्षा होती थी, ये शिक्षा कार्य की होती थी, और ये शिक्षा विद्या की होती थी, और ये शिक्षा चरित्र निर्माण की होती थी। ये चारों पक्ष को देखकर वो गुरु को आत्मसमर्पण करता था, उसके पास जाता था, सीखता था, वो कुल में रहता था। गुरु का कुल भी वही था, गुरु के बच्चे, गुरु की पत्नी, ये सब गुरुकुल का अंश होती है। तो उनको सबसे पहले मिलनसारिता का पता चलता था, राजा हो या रंक, सब एक ही स्थान पर बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे और सब एक ही स्थान पर भोजन करते थे। तो सबसे पहला उनमें
सहभागिता, समन्वय और आपस में मिलनसारिता और राजा और रंग का भेद, ये सब मिट जाता था। आज जो हम जाति प्रथा कहते हैं, गुरुकुल में कोई जाति प्रथा नहीं थी। आप देखिए उपनिषद को देखिए कि जहाँ पर जो एक पात्र है जिसे कि जिसकी माता गणिका है और वो कहता है अपनी माँ से कि मैं गुरुकुल पढ़ने जाऊँगा, तो गुरुकुल वो गया तो ऋषि ने उससे पूछा गोत्र, तो वो बता नहीं पाया, तो उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा यही गोत्र है, आओ तुम पढ़ो। ऋषि ने उसको ना नहीं बोला जी। तो ये इस तरह की भारतीय परंपरा है, ये शिक्षण प्रणाली है, ये गुरुकुल प्रणाली, यहाँ सभी एक हैं जी, यही मैं बताना चाहता जी। और वैसे भी देखा जाए कि जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी डॉक्टर साहब, उसमें सभी छात्र एक साथ रहते थे और एक ही साथ उन्होंने खाना, एक ही साथ उठना, एक ही साथ बैठना, एक डिसिप्लिन होता था उनके बीच में, आपस में एक मेल मिलाप होता था, एक दूसरे की सहयोग की भावना होती थी, एक साथ सीखना होता था। और जो और गुरु भी ऐसे होते हैं कि जो उनके स्किल्स को डेवलप करें, ये नहीं कि आपके आपको मैं ये बोलूं कि आपने ये गणित बहुत अच्छा है तो गणित ही पढ़ो, मैं गणित में ज्यादा सक्षम हूं तो गणित ही आपको पढ़ना है, तो वो छात्रों के स्किल्स को भाप कर उसी को ही आगे बढ़ाते थे ताकि वो उस क्षेत्र में अच्छा करे, उसके रुचि के अनुसार उसका जो चयन किया जाता था। ठीक। तो उसी जैसे जो है, जब जितने वो गुरुकुल से जब वो बाहर निकलते थे तो वो परिपक्व होकर निकलते थे, उनमें अपने निर्णय लेने की क्षमता भी होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, बच्चा स्कूल से या कॉलेज से निकल जाता है तो उसको अपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो पाती, अपने डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि लैकिंग है हमारी जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अगर वर्तमान समय में हम बात करें, वर्तमान समय में गुरुकुल प्रणाली का क्या महत्व है, आप देखते हैं इसको? वास्तव में गुरुकुल प्रणाली से अर्थ है संस्कार से, सुदृढ़ समाज से, स्वास्थ्य से और अपने कर्म के अनुसार शिक्षा से। तो हमारे यहाँ पर गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, हमारे यहाँ शिक्षा 18 प्रकार की है और शिक्षा प्रणाली 24 प्रकार की है जी। तो उसमें जैसे पहला है उपदेश, अब आपको उपदेश लेना है, उपनिषद का मतलब हुआ कि गुरु के पास बैठ के आपने शिक्षा लिया, एक तो ये उपनिषद की शिक्षा हो गई, वेदों की शिक्षा हो गई। दूसरा हुआ संवाद के माध्यम से जी। अब गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ के संवाद के माध्यम से शिक्षा लिया, ऐसी बहुत सी है, जैसे याज्ञवल मैत्रेयी का संवाद, संवाद के माध्यम, शास्त्रार्थ के माध्यम से शिक्षा लिया। तो इस तरह की बातें जो गुरुकुल में थी वो आज नहीं के बराबर है। अब इनको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उन्मुख करना चाहिए कि चरित्र निर्माण कैसे हो और हमारी कर्म से जुड़ा हुआ जीवन कैसे हो। आप समझिए महाभारत के 5 कैरेक्टर, चाहे वो धनुर्धर हो चाहे गदाधारी भीम हो, 5ों जब अज्ञातवास में गए तो अलग अलग काम किया और 5ों पकड़े नहीं गए, तो किस लिए? क्योंकि उनको शिक्षा के साथ साथ 64 कला का भी निर्देश दिया गया था, चाहे वो पाक शास्त्र हो चाहे काम शास्त्र हो, चाहे फूल गूथने की कला हो, चाहे अस्तबल में घोड़ों को संभालने की कला। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रणालियों से आदमियों को शिक्षित किया जाता था। वहां माला की शिक्षा भी दी जाती थी और भाला की शिक्षा भी दी जाती थी जी। तो उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत किया जाता था। तो यह है कि समग्र विकास जो है उनका होता था वहां उस समय में। बिल्कुल। आगे अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब की जो जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है करंट में जो है, उसकी कमियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें थोड़ा सा। देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली चूंकि भारतीय नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी भाषा में नहीं शिक्षा लेते जी, हमको अंग्रेजी सीखना पड़ता है जी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सैकड़ों साल पहले कह दिया, अपनी भाषा है भली भलो आपनो देश। अब हम अपनी भाषा ही नहीं, पहले तो हमको भाषा सीखनी पड़ती। आप कहीं भी जाइए दुनिया में तो वो बोलेगा आप कोई भी हो,
पहले आप हमारे यहाँ की भाषा सीखिए, फिर आपका दाखिला होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर हम अपने ही घर में विदेश की भाषा सीखते हैं जी, तो ये हमारा दोष है। और दूसरा, चरित्र निर्माण तो होता ही नहीं, दुर्भाग्य है। मैं तो कहूंगा सर, दुर्भाग्य है कि, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो अंग्रेजी को तो बहुत सम्मान के साथ देखते हैं कि मेरा बच्चा इतना अंग्रेजी बोल रहा है या हम फैमिली में अंग्रेजी बोल रहे हैं, और वहीं हिंदी भाषा के लिए उनकी हीन भावना हो जाती है कि इस तरह से वो देखते हैं। तो अपनी ही मातृभाषा का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा? अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर में इतना अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी भाषा को लेकर इतना सम्मान है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर गया हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ उनके कल्चर के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में, तो अलग ही उनका एक आपको अनुभव वहाँ पर होता है। ठीक, आप सही कह रहे हैं। जबकि हमारे देश में मातृभाषा जो है, मातृभाषा के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि मातृभाषा मातृ दुग्ध के समान है। अगर बच्चा मातृभाषा नहीं पढ़ेगा तो उस वो मजबूत नहीं होगा। अपनी भाषा में चीजों को समझना आसान है और अपनी भाषा में पढ़ना आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली चूंकि अपनी भाषा का महत्व कम करती है, इसे हमें त्याग देना चाहिए, इसमें सुधार की आवश्यकता। अरे न तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, न हिंदी पढ़ रहे हैं, न क्षेत्रीय भाषा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ की भाषा हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सीखेंगे? सारी दुनिया आज संस्कृत का लोहा मान रही है और हम अंग्रेजी पढ़े जा रहे हैं। बताइए, कितने दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हम इसमें आगे, हमने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की, वैदिक शिक्षा देने में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, माता पिता जब घर में, बच्चा पहले माँ क्यों कहता है? माँ इसलिए कहता है कि वो दूसरे लोगों से सुनता है, माँ है। और बच्चा संस्कारों में जब बड़ा होता है, संस्कार से बच्चे के अंदर की कलुषित भावना जो है वो परिष्कृत होती है। चाहे हमारे यहाँ पर इसीलिए 56 संस्कार, 60 संस्कार, कम से कम 45 या 16 संस्कार तो बताया ही गया है जी। अब जात कर्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। अगर घर में बच्चे संस्कार, चाहे जात कर्म हो, चाहे कर्ण छेदन हो, चाहे मुंडन हो, चाहे वेदाध्ययन हो, चाहे नामकरण हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, सब कार्य जब करेंगे तब बच्चों के मन में संस्कार के प्रति आस्था होगी। और चूंकि सभी संस्कार संस्कृत भाषा से ही किए जाते हैं, तो बच्चे में जागने की, सीखने की प्रवृत्ति होगी। अब हमको, जब हमने आज से, जब हम लोग 12 वर्ष के थे, जब हम लोगों को बताया गया कि भाई आपको आज से आपका उपनयन हो गया, आपको यज्ञोपवीत धारण करना है और ये मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवस्व तस्व विदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हमारे लिए ये बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने 12 वर्ष की उम्र में लिया। आज हमको कोई समझाएगा तो क्या समझ में आएगा और क्या हम इसको याद करेंगे और क्या दोहराएंगे? तो वास्तव में ये शिक्षा बचपन से देने से लेना आसान है, बच्चे भी ग्रहण कर सकेंगे और उनके माता पिता भी अपने आप को सम्मानित महसूस करें। और वैसे भी आज का देखा जाए तो जो बच्चे हैं, आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं, जो नई जो जनरेशन है हमारी, वो ज्यादातर पूजा पाठ इन लोगों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो माता पिता को ये जरूर चाहिए कि जब वो बच्चे पूजा पाठ कोई भी कर्म कांड होते हैं घर में, तो उनमें बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें कि उस टाइम उनकी प्रेजेंस हो, ताकि उनको वो अनुभव भी हो और उनका ज्ञान भी हो। जी हाँ, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हम आज के परिदृश्य में क्या हमें भारत में फिर से गुरुकुल प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है हमें? जी हाँ, देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में पूरी तरह से गुरुकुल प्रणाली हो ऐसा पूर्णतया संभव नहीं है जी। परंतु हमारे जो संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर संस्कृत में पढ़ाया जाता है जी, वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली निश्चित रूप से कारगर है जी। और अभी भी बनारस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में,
बहुत से गुरुकुल हैं और गुरुकुल प्रणाली से पढ़ाया जाता है। अब उनको अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, जी। सरकार पहले क्या है, पहले सरकार गुरुकुल प्रणाली के बच्चों को छात्रवृत्ति देती थी और उनको बढ़ावा दिया जाता था, संस्कृत पढ़ाने वालों को बढ़ावा दिया जाता था, उन्हें अनुदान दिया जाता था। अब वो खत्म हो गए तो संस्कृत के गुरुकुल जो है वो नहीं के बराबर है। अगर वापस चालू, देखिए आज ये निश्चित है कि दुनिया के सभी उन्नतशील देशों ने कह दिया कि संस्कृत दुनिया की श्रेष्ठ भाषा है, संस्कृत दुनिया की मोस्ट साइंटिफिक भाषा है और संस्कृत में ही कंप्यूटर के लेटेस्ट प्रोग्राम हो सकते हैं। तब संस्कृत को बढ़ावा देना हमारी सरकार की नीति का प्रधान अंग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा संस्कृत के विद्यालय बनाएंगे, ज़्यादा संस्कृत के विद्यार्थी पैदा करेंगे तो ज़्यादा काम पैदा होगा, हम सारी दुनिया में अपना डंका बजा सकेंगे, ये आवश्यक है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज में व्यवधान है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, कृपया प्रश्न पूछें। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ, लग व्यवधान हो। जाने की वजह से। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं सुन पा हाँ रहे हैं जी, मुझे? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप प्रश्न आपकी करें। आवाज़ आ रही है। अगला अगला प्रश्न, हम क्या हम गुरुकुल को और आधुनिक शिक्षा को मिलाकर नई शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं? जी हाँ, इस विषय पर गहन अध्ययन चल रहा है और 34 साल बाद हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो NEP 2020 के नाम से है, उसमें काफ़ी कुछ रद्दोबदल किए गए हैं और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पूरा तो नहीं लेकिन उसके मुख्य उद्देश्यों को उसमें समाहित किया गया है और हम आशा करते हैं कि आगामी 10-15 सालों में इसका परिणाम व्यापक रूप से दिखाई पड़ेगा, जब हमारी नई फसल, हमारे नए बच्चे,
जब आएंगे कर्म के क्षेत्र में, तो उसमें हमारी गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का बहुत ही सुंदर समन्वय दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैंने शिक्षा प्रणाली को अच्छी तरह से देखा है और मैं आशान्वित हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 34 साल बाद हमारी सरकार ने बहुत ही उत्तम कदम उठाए हैं और बहुत ही नई दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन है, कुछ मेरे यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ रिपीट करूँ, आधुनिक शिक्षा में कौन से परिवर्तन करने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा, मैं आपको इस जगह पर बताना चाहूँगा कि हमारी जो NEP 2020-21 है उसकी कुछ विशेषताएँ अगर आप जाने तो पता चल जाएगा कि जो 34 साल के गहन अध्ययन के बाद जो हमारी नई सरकार ने बनाया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। सबसे पहली बात है कि इसमें चार चरण, माने पहले जो 10+2 था अब वो खत्म कर दिया गया, अब इसमें चार चरण कर दिया गया, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, और 10/2 की जगह अब ये 5+3+3+4 तीन उम्र से 18 उम्र तक के बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन लाया गया है। इसमें क्या है कि पहली बात है कि अपनी भाषा को, चाहे मातृभाषा हो, चाहे राष्ट्रीय भाषा हो, चाहे राजभाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, सबको प्रमुख रूप दिया गया है। भाषा दक्षता, वैज्ञानिक, तकनीकी, नैतिक, तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, हमारे सभी विषयों पर कार्यक्रम और एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और बड़ा ही लचीला पाठ्यक्रम है। आपने सोचा नहीं होगा कि हमारे समय में जो संभव नहीं था आगामी दिनों में वो संभव होगा, मतलब कि एक बच्चा अगर उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स भी ले सकता है और फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर सकता है, मतलब ये पहले बिल्कुल ही असंभव था लेकिन आज ये संभव है। तो साथ साथ वोकेशनल पढ़ाई पर जोर दिया गया, जैसे बागवानी कर सकता है, मिट्टी के बर्तन, दुनिया का जो पहला जो उद्योग समझिए या पेशा समझिए, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सरस्वती में भी पाया गया, उसकी भी शिक्षा दी जाएगी, बिजली का काम की भी शिक्षा दी जाएगी और लकड़ी के काम की भी शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत तगड़ी हो रही जा रही है और स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट ले सकते हैं। माने स्ट्रीम नाम की कोई चीज अब नहीं रही, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो और आप क्या चाहते हैं, अगर स्टेट, फेडरल और केंद्र दोनों मिलके ये पॉलिसी को सही रूप से अमला जामा दे दें तो देश का विकास द्रुत गति से हो निश्चित है। पूछे अगर आप नई पॉलिसी के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि 34 साल बाद नई शिक्षा योजना बन पाई है, यह शिक्षाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा और केंद्र और राज्य की मदद से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। कारण हमारा जो डेवलपमेंट है उसको हमने कह दिया है कि यह शिक्षा है, ये डिपार्टमेंट शिक्षा है और ये दिशा निर्देश इसी तरह से दिया गया है और ये हमने अपने विश्व गुरु बनने के लिए
एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जी हाँ, मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में बहुत ही बदलाव किया गया है और ये बदलाव हमारे व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम साबित होगा। कारण पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र की नीति में परिवर्तन किया गया है। इसमें जहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर दिया है, वहाँ तार्किक शिक्षा पर भी जोर दिया है और हमें यहाँ पर कर्म से जुड़ा होने के लिए शिक्षा देने की बात कही गई है। स्किल डेवलपमेंट हो या NEP 2020-21 हो, विकास के मार्ग पर हम अति तीव्र गति से अग्रसर हो पाएंगे जी। इसलिए ये मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का हम स्वागत करते हैं और यदि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो हमें विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी जी, यही उद्देश्य है। तो जो डॉक्टर साहब, जो जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, क्या उनके कुछ चीजों को भी यहाँ समावेश किया जा सकता है या क्या लगता है? जी, उनकी जो व्यावहारिकता थी, उनका जो चरित्र निर्माण पर बल था, उनका जो था हाँ, कर्म की दक्षता करने का है। मैंने आपको बताया कि इसमें बागवानी, अब बताइए 8वीं क्लास में 6ठी क्लास में आपको बागवानी भी सिखाएंगे और को मिट्टी के बर्तन बनाना भी सिखाएंगे और कारपेंटरी भी सिखाएंगे और उद्यान की कला भी सिखाएंगे और आपको बिजली का सामान बनाने की बात भी सिखाएंगे। अब आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसको रुचि के अनुसार आपके करियर का चयन किया जा सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने जमाने में जैसा होता था, आधुनिक जमाने में हूबहू वैसा संभव नहीं है, लेकिन आज शिक्षा के और कर्म के बहुत ज्यादा आयाम खुल गए हैं, बहुत ज्यादा आयाम खुल गए। तो उनकी तरफ ध्यान रखते हुए पुरानी बातों को भी लेना पड़ेगा और आधुनिकता को भी भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया, हम एक तरफ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम वसुधैव कुटुंब में हम अपनी पुरानी बातों को भी लेंगे और दूसरे की आधुनिक बातों को लेके उस समन्वय से अपनी भागीदारी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे और पेश करेंगे ताकि हम सफल हो सके। ये NEP 2020 इस रास्ते पर स्वर्णिम कदम साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मोदी सरकार ने जो नई नीतियां बनाई है उसमें जो है हमारे जो नौजवान है, जो नई जनरेशन है, जो नवयुग है, उनका भी विकास हो और जो जो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन से ही उनका डेवलपमेंट हो, ये ऐसा कुछ प्रयास यहाँ किया जाएगा तो इस पर हम लोग सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर साहब आपका हम संदेश जरूर लेना चाहेंगे, इस उसमें गुरु पूर्णिमा पर आपका क्या संदेश रहेगा? ऐसा है कि जो गुरु हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है, तो हर व्यक्ति को जिससे भी उसने सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, उसका नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और उसको गुरु मानकर उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से समर्पण करना चाहिए। और याद रहे, गुरु एक नहीं, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, आपके भी अनेकों गुरु हो सकते हैं। जहाँ से भी शिक्षा लें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, नमन व्यक्त करें, यही हमारा संदेश है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो अनमोल वचन है
और जो आपने बातें बताई है आई एम श्योर कि मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कृपया हमारे इस शो को जरूर लाइक और शेयर करें। ये हमारा एक सामाजिक कल्याण के लिए हमारा ये लाइव विद इन टॉक शो है। इसमें अलग अलग विषय को हम लोग लेते हैं जिसमें कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइफ के जीवन के बदलाव के लिए, उनको एक अच्छा जो है हम लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त दे पाए, अच्छा एजुकेशन दे पाए यहाँ पर, जिससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाए। और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं भी अपने जितने भी गुरु हैं जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है उनको मैं शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हमारे लीव में ऐसे कई सारे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम रोजाना किसी न किसी लोगों से सीखते ही हैं, चाहे वो छोटे छोटा बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो या हम उम्र हो। तो लेकिन हमारी एक जो शिक्षा को ग्रहण करने की जो सोच होती है, अगर हम उसको जागृत रखें और उस भावना से अगर हम करें तो जरूर हमें हमारा कल्याण होगा और सभी का कल्याण होगा। मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अपने सभी गुरुओं का नमन भी करता हूं। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव इन टॉक शो में जुड़ने के लिए और हमारे इस ज्ञानवर्धक बातें यहाँ बताने के लिए। आई एम श्योर कि आज के जो इस विषय से, आज के जो इस जो हम लोग ने विषय रखा है उस पर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ होगा, और आप भी इस बारे में जरूर विचार करें। और हम अगर अपने नैतिक मूल्यों को अगर हम अपने सही कर पाए और इस जो आधुनिक परिवेश के अंदर जो हमारी गुरुकुल पद्धति के कुछ अंशों को हम लोग जोड़ पाए और उस तरह की शिक्षा अगर हम बच्चों को दे पाए तो हमारा जीवन भी सफल होगा और हम एक नई दिशा पर नए जनरेशन को, नए बच्चों को अपने उसमें नई शिक्षा दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले शो में हम लोग जरूर आपके साथ नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तभी तक हमें इजाजत दीजिए। आप जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।